Hello student, welcome to the lecture series of machine design subject. Today we will discuss the design of the bevel gear. Now isse pehle design of the spur gear, design of the helical gear hum log pad chuke hain. Pehle jo humne discuss kiya tha, the three main steps to design any of the gear is number one, beam strength of any gear, wear strength, and third one is calculation of dynamic load. तो कोई भी gear है उसको design करना है, यानी उसकी हमें dimension निकालनी है. इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि dimension इस तरीके से निकालनी है that should not fail in the bending and should not fail in the wear. यानी gear design का दो ही criteria होते हैं, जैसा कि पहले भी हम लोग कई बार discuss कर चुके हैं. One is bending failure, सेकेंड वन इज वियर फेलियर. तो हमें गियर का डिजाइन इस तरीके से करना है, गियर बेंडिंग में भी फेल ना हो और वियर में भी फेल ना हो. ये कैसे चेक करेंगे? इफ बेंडिंग स्ट्रेंथ और बीम स्ट्रेंथ इज ग्रेटर देन पी इफेक्टिव डायनेमिक, देन अवर गियर इज सेफ. इफ वियर स्ट्रेंथ इज ग्रेटर देन पी इफेक्टिव, देन अवर गियर इज सेफ. तो तीन टर्म हमें निकालनी होती है किसी भी गियर के न्यूमेरिकल में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होती है, बीम स्ट्रेंथ, वियर स्ट्रेंथ एंड पी इफेक्टिव डायनेमिक. तो लेट अस डिस्कस वन बाय वन. नाउ फर्स्ट टर्म इज बीम स्ट्रेंथ ऑफ द बेवल गियर. इन ऑर्डर टू डिटरमाइन द बीम स्ट्रेंथ ऑफ द टूथ ऑफ अ बेवल गियर, इट इज कंसीडर्ड टू बी इक्विवेलेंट टू अ फॉर्मेटिव स्पर गियर इन अ प्लेन परपेंडिकुलर टू द टूथ एलिमेंट. तो इससे पहले वाले लेक्चर में हमने कंसेप्ट देखा वर्चुअल स्पर गियर का, यानी जो टूथ एलिमेंट था बेवल गियर का उसके परपेंडिकुलर प्लेन पे हमने एक फॉर्मेशन किया वर्चुअल स्पर गियर का. नाउ वी आर अप्लाइंग द लुईस इक्वेशन, वी आर अप्लाइंग द लुईस इक्वेशन फॉर दैट वर्चुअल और फॉर्मेटिव स्पर गियर. सी लुईस इक्वेशन जो हमने डिराइव की थी चैप्टर नंबर वन में, वो डिराइव करी थी हमने स्पर गियर के लिए. द सेम लुईस इक्वेशन वॉज मॉडिफाइड फॉर हेलिकल गियर ऑल्सो, बिकॉज इन हेलिकल गियर ऑल्सो देयर वॉज अ कॉन्सेप्ट ऑफ फॉर्मेटिव स्पर गियर और वर्चुअल स्पर गियर. वहां भी हमने वर्चुअल नंबर ऑफ टीथ निकाला था हेलिकल गियर में, जैसा कि इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने बताया देयर इज ऑल्सो अ कॉन्सेप्ट ऑफ वर्चुअल नंबर ऑफ टीथ इन द बेवल गियर ऑल्सो. ठीक है, नाउ द लुईस इक्वेशन फॉर द बेवल गियर इज मॉडिफाइड एज एस बी. सी इन द इन दिस लाइन देयर इज अ डेफिनेशन ऑफ बीम स्ट्रेंथ. सी एवरी डेफिनेशन ऑफ द बीम स्ट्रेंथ इज गिवन इन द डिजाइन डाटा बुक, डिजाइन डाटा बुक. तो यू कैन टेक द डेफिनेशन फ्रॉम द डिजाइन डाटा बुक ऑल्सो. नाउ दिस इक्वेशन इज मॉडिफाइड एज एस बी, दैट इज बीम स्ट्रेंथ इज इक्वल टू मॉड्यूल इन टू बी फेज विथ सिग्मा बी इज द एलोवल एलोवल स्टेटिक स्ट्रेस, यू कैन से परमिसिबल बेंडिंग स्ट्रेस. अच्छा, अगर किताब में अलाउबल स्टैटिक स्ट्रेस दे रखा है या स्टैटिक स्ट्रेस दे रखा है तो हम फैक्टर ऑफ सेफ्टी से डिवाइड नहीं करते हैं, ये डायरेक्ट सिग्मा बी की ही वैल्यू दे रखी होती है. कैपिटल वाई इज लुईस फॉर्म फैक्टर ब्रैकेट वन माइनस बी अपॉन ए नॉट. तो ए नॉट जो टर्म है इसमें नया क्या है, ए नॉट, ए नॉट वॉज द कोन डिस्टेंस जो कि हमने लास्ट लेक्चर में देखा था. कोन डिस्टेंस फेज विद स्पर गियर में भी होती थी, इसमें भी है. सिग्मा बी स्पर गियर में भी होता था और इसमें भी है. सिग्मा वी की वैल्यू हम निकाल सकते हैं एसयूटी अपॉन डिवाइडेड बाय थ्री. तो कॉमनली यहाँ पर एसयूटी डिवाइडेड बाय थ्री से ही निकाला है इन ऑल द चैप्टर्स ऑफ बीबी भंडारी. फेज विथ कैन बी एज्यूम एज टेन टाइम ऑफ द मॉड्यूल और इट कैन ऑल्सो बी एज्यूम एज ए नॉट अपॉन थ्री. तो जब न्यूमेरिकल में हम देखेंगे इस ब्रैकेट वाली टर्म में, ब्रैकेट वाइज ब्रैकेट ब्रैकेट वाली टर्म में बी की वैल्यू ए नॉट अपॉन थ्री रख देंगे और यहाँ पर वी की वैल्यू टेन टाइम मॉड्यूल रख देंगे. नाउ वाई इज द लुईस फॉर्म फैक्टर बेस्ड अपॉन द फॉर्मेटिव नंबर ऑफ टीथ. तो वाई की जो वैल्यू देखेंगे हम टेबल नंबर 17.13 से देखेंगे. टेबल नंबर 17.13 दैट टेबल इज कॉमन फॉर ऑल द गियर. ये टेबल कॉमन है हेलिकल गियर के लिए भी और वेवल गियर के लिए भी कॉमन है. नाउ सेकंड टर्म, सेकंड इंपॉर्टेंट टर्म इज वियर स्ट्रेंथ ऑफ द वेवल गियर. तो वियर स्ट्रेंथ ऑफ द वेवल गियर इज आल्सो सेम जैसे कि हम इस पर गियर में निकालते थे, दैट इज बी क्यू डी पी डैश इन टू के. वेयर डी पी डैश इज द पिस सर्किल डायमीटर ऑफ द फॉर्मेटिव पिनियन. बस इतना अंतर है यहाँ पर, ये फॉर्मेटिव इस पर गियर के रिस्पेक्ट में है.
Now we can we know in the previous lecture we saw that RB, radius of the formative spur gear, is equal to capital D upon 2 into cos gamma. ये हमने relation derive किया था, where D is the diameter, pitch circle diameter of the bevel gear, and RB is the radius of the spur gear. मतलब ये जो equation है, ये relation बता रही है bevel gear, जो कि actual में हम जिसका design कर रहे हैं या उसकी wear strength निकालने की कोशिश कर रहे हैं उसके tooth की, और जो वर्चुअल स्पर गियर है उन दोनों की रेडियस में और डायमीटर में क्या रिलेशन है. नाउ वी वांट टू कैलकुलेट द डीपी, यानी डायमीटर निकालना है. रेडियस की टर्म में है ये एक्सप्रेशन, तो डायमीटर क्या हो जाएगा, टू टाइम्स हो जाएगा. इस टू को अगर इधर ले जाएंगे दैट बिकम डी अपॉन कॉस गामा, तो वी कैन सी डीपी डैश इज इक्वल टू डी अपॉन कॉस गामा. और अगर पिनियन की हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पर मैंने सफिक्स में पिनियन लगा दिया. नाउ एस डब्ल्यू इज इक्वल टू बी क्यू डी पी के अपॉन कॉस गामा. Now there is one more important assumption is there. In case of bevel gear, either the pinion or the gear is generally overhanging. It is subjected to the deflection under the action of tooth forces, and it has been found that to transmit the load only 3/4 of the face width is effective. तो यहाँ पर जो load होता है, मतलब जो भी face width होती है bevel gear की, वो completely effective नहीं होती है. उसका जो contact में जो portion होता है वो 75% या 3/4 पोर्शन ही कांटेक्ट में होता है. तो हम ये मान के चल रहे हैं कि उतना ही पोर्शन जो है वो लोड को बियर कर रहा है या वियर स्ट्रेंथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है. तो हम वियर स्ट्रेंथ में हम 0.75 का फैक्टर लगा देते हैं. यानी ये जो ऊपर जो इक्वेशन निकली उसमें हमने 0.75 मल्टीप्लाई कर दिया, दैट इक्वेशन बिकम 0.75 वी क्यू डी पी इन टू के अपॉन कॉस गामा. नाउ बी तो हमें मालूम है फेस विड्थ है. What is Q? Q is the ratio factor and K is the load stress factor. Ratio factor can be calculated as twice of Tg upon Tg plus Tp, but यहाँ पर concept क्या है? Virtual number of virtual spur gear क्या है? तो Tg dash upon Tg dash plus Tg dash हो जाएगा. Now Tp dash is equal to, so Tp is the virtual teeth on pinion and Tg dash is a virtual teeth on the gear. Pinion is driving and gear is driven. Tp dash is equal to Tp upon cos gamma. Tg dash is equal to Tg upon cos gamma, cos capital gamma. Now capital gamma, gamma plus capital gamma is equal to 90 degree, so ye ho jayega cos 90 minus gamma. Tg upon sin gamma ho jayega. So in dono ki value jab hum is equation mein put karenge, we will get this expression. Matlab is equation mein put karne ke baad, agar if you multiply it by sin gamma, अगर आप साइन गामा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दोगे, यू मल्टीप्लाई बाय साइन गामा, ठीक है, यू विल गेट दिस एक्सप्रेशन. नाउ के कैन कैलकुलेट बाय सिग्मा सी स्क्वायर साइन अल्फा कॉस अल्फा 1 अपॉन ईपी प्लस 1 अपॉन ईजी अपॉन 1.4. तो ऐसे भी निकाल सकते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम यू विल सी इन द बुक के लिए ये एक बहुत कॉमन सा फॉर्मूला, गिवन आसान सा फॉर्मूला. इफ यू नो द बीएचएन यू कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ लोड स्ट्रेस फैक्टर. So SW indicate the maximum value of tangential force at the large end of the tooth that the tooth can transmit without pitting failure. तो same है जैसे वहाँ पर bending failure हो गया था, SB के केस में bending failure हो गया था, यहाँ पर pitting और wear failure हो जाएगा. Now ये second term हो गई. Third term हम क्या निकालते थे? Effective load on the gear teeth. Effective load on the gear teeth दो stage में निकालते थे, इनिशियल स्टेज में और डायनेमिक स्टेज में. तो इनिशियल स्टेज पे जो निकालते थे उसकी हेल्प से हम मॉड्यूल निकालते थे. व्हेन वी कैलकुलेट द पी इफेक्टिव एट इनिशियल स्टेज, वी कैलकुलेट मॉड्यूल, और उसके बाद हम डायनेमिक लोड निकाल के हम चेक करते थे बियर स्ट्रेंथ और बीम स्ट्रेंथ में हमारा गियर सर्वाइव कर रहा है या नहीं कर रहा है. तो दिस पीटी कैन बी कैलकुलेटेड एज पावर अपॉन वेलोसिटी. तो वी विल सी ये सारी की सारी टर्म हमें मालूम है. यहाँ पर क्या हो जाएगा, ई की वैल्यू एरर, और सी इज अ कॉम्बिनेशन फैक्टर. अगेन द सी कॉम्बिनेशन फैक्टर, सी इज ऑल्सो सीन फ्रॉम द चैप्टर ऑफ स्पर गियर इन द डिजाइन डेटा बुक. ई इज द एरर, वी विल सी इन द न्यूमेरिकल हाउ वी कैलकुलेट द एरर और वेदर इट इज गिवन इन द क्वेश्चन. Now see the numerical. Before we see the numerical, let us have a look what is given, what terms are given in the design data book. So there is a chapter number 19 in the design data book of Bhandari. So you can see all the terms, you know,
z is equal to t is equal to d upon see z z here in the data book z is number of teeth. ठीक है, यहाँ पर z से denote किया है, notes में मैंने t से denote किया है, तो don't get confused. z is the number of teeth. tan gamma मैंने बताया था pitch angle निकालने के लिए बहुत important formula है tan gamma number one. ये relation हमने देखा था पिछले lecture में. a not is the cone distance. this is very important relation. ठीक है, cone distance हर numerical में आपको लगाना पड़ेगा. rb is the pitch circle radius of the virtual gear. ये relation हमने derive किया था in the term of in the topic of virtual virtual spur gear या virtual number of teeth for bevel gear. see z dash ये हमने derive किया था. z dash is equal to z upon cos gamma. ये very important term है. तो तीन important term यहाँ से निकल के आई थी. एक ये वाली term important हो गई, एक a naught and cos gamma. तो ये frequently हम use करेंगे in the numerical. component of the tooth force. तो tooth force see this pinion is the driving and wheel is the driven. there are three types of forces acting on the bevel gear. जैसे कि हमने helical gear में भी discuss किया था, तीन तरीके के फोर्स लग रहे हैं, radial, axial और tangential. तो ये थोड़ा सा आप देख लेना अपने आप. everything is given in the design data book. अगर कोई numerical आएगा भी तो you can directly see the expression. ये expression जो है वो आप डायरेक्टली डाटा बुक से देख सकते हो और इसका आसानी से न्यूमेरिकल कर सकते हो. स्टेप क्या होगा, इफ यू नो द पावर एंड वेलोसिटी. इफ यू नो द पावर यू कैन कैलकुलेट द टॉर्क. यू कैन कैलकुलेट द आरएम, वेयर आरएम इज द रेडियस. बस ये थोड़ा सा ध्यान रखना है इसमें आपको, रेडियस ऑफ द पिनियन एट द मिड पॉइंट अलोंग द फेस विड्थ. तो आरएम की वैल्यू यहां से निकल आएगी, पीटी की वैल्यू यहां से आ जाएगी, एमटी अपॉन टॉर्क अपॉन आरएम. ठीक है, तो टॉर्क इज इक्वल टू पीटी इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, यू नो दैट. तो वही फॉर्मूला है, पीटी इज इक्वल टू एमटी अपॉन आरएम. तो ये पीटी इस फॉर्मूले से निकलेगा अगर अगर आप निकाल रहे हो, पीटी इस फॉर्मूले से निकलेगा अगर आप फोर्स एनालिसिस का न्यूमेरिकल है इन द बेवल गियर टॉपिक. तो पीटी एक बार निकल आएगा इफ यू नो द वेलोसिटी, इफ यू नो द टर्म. अगर आपको गामा मालूम है, डीपी की वैल्यू मालूम है, पावर आपको मालूम है केडब्ल्यू में, यू कैन कैलकुलेट द पीटी. पीआर रेडियल फोर्स और एक्सियल फोर्स भी निकल आएगा. ठीक है, तो ये बहुत ही सिंपल, इसका क्वेश्चन अगर आएगा तो बहुत ही सिंपल है. यू कैन डायरेक्टली सी द फॉर्मूला इन द डिजाइन डाटा बुक एंड यू कैन कैलकुलेट द फोर्सेस अप्लाई ऑन द बेवल गियर. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज डिजाइन बाय लुईस एंड बकिंगम इक्वेशन. तो ये इंपॉर्टेंट है. एस बी मैंने बताया द लुईस इक्वेशन इज मॉडिफाइड इन दिस वे. द सिग्मा वी इज कैलकुलेटेड बाय 1/3 ऑफ एस यू टी. एस डब्ल्यू इज 75% ऑफ द कन्वेंशनल इक्वेशन. ये हमने देखी इक्वेशन अभी. और रेशियो फैक्टर कैन बी डराइव. ठीक है, रेशियो फैक्टर डराइव किया. के की वैल्यू हम ये वाले भी लगा सकते हैं और ये भी लगा सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन व्हाट वैल्यूज इज गिवन इन द न्यूमेरिकल. अगर न्यूमेरिकल में सिग्मा सी की वैल्यू गिवन है, ईपी और ईजी भी गिवन है, तो यू कैन कैलकुलेट द वैल्यू, यू कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ लोड स्ट्रेस फैक्टर फ्रॉम हियर. और अगर बीएचएन की वैल्यू है तो आप यहां से कैलकुलेट कर सकते हो. और यू कैन एज्यूम, अगर डाटा अगर मिसिंग है तो यू कैन एज्यूम द सुटेबल वैल्यू ऑफ द बीएचएन व्हिच इज गिवन इन द डिजाइन डाटा बुक ऑफ चैप्टर नंबर 17 में. आप देखोगे मटेरियल के हिसाब से बीएचएन की वैल्यू भी दे रखी है. तो अगर मटेरियल आपको पता है बीएचएन नहीं भी दे रखा है न्यूमेरिकल में, यू कैन सी फ्रॉम द डाटा बुक. नाउ दिस एमटी और पीटी, सी दिस पीटी कैन बी कैलकुलेटेड. सी आप दो स्टेप में निकालो पीटी, या फिर जो मैंने निकाला है, जो मैंने तरीका बताया, दिस पीटी कैन बी कैलकुलेटेड बाय पावर अपॉन वेलोसिटी. दिस पीटी कैन बी कैलकुलेटेड बाय पावर अपॉन वेलोसिटी. चाहे तो आप दो टर्म में निकाल लो, पहले टॉर्क निकाल लो फिर बाद में पीटी निकाल लो, या फिर आप पावर अपॉन वेलोसिटी से भी निकाल सकते हो. पी इफेक्टिव इज सी एस पी टी अपॉन सी वी. सी दिस इज इनिशियल स्टेज. इनिशियल स्टेज पे जब हम निकालते हैं, इन इनिशियल स्टेज जब हम पी इफेक्टिव निकालते हैं, वी ओनली कंसिडर द सी वी. केवल हम वेलोसिटी फैक्टर को कंसिडर करते हैं. और जब हम उसमें निकालते हैं सेकेंड स्टेज फाइनल गियर डिजाइन में निकालते हैं, वी इंस्टेड ऑफ सी वी वी कैलकुलेट द वी वी टेक द डायनेमिक लोड. ठीक है, सी वी की वैल्यू इन दोनों में से कोई भी लगा सकते हो, डिपेंडिंग ऑन द न्यूमेरिकल. न्यूमेरिकल में क्या दे रखी है, कट टीथ है या जनरेटेड टीथ है, कोई भी आप इस फॉर्मूला लगा सकते हो. सी वी का डायनेमिक लोड कैन बी कैलकुलेटेड बाई दिस एक्सप्रेशन. तो दिस इज
ऑलमोस्ट सेम एज, बिल्कुल उसी तरीके से जैसे कि स्पर गियर में भी हम देखते थे, वेयर ई इज द मैक्सिमम एक्सपेक्टेड एरर बिटवीन द टू टीथ. सी ऑल द टर्म्स आर नोन, यू कैन कैलकुलेट द एरर बाय दिस टेबल. टेबल नंबर 19.8 विल बी यूज्ड टू कैलकुलेट द एरर. नाउ कम टू द न्यूमेरिकल. इन अ स्ट्रेट बेवल गियर माउंटेड ऑन शाफ्ट व्हिच आर इंटरसेक्टिंग एट राइट एंगल. तो मैंने बताया इसमें जो न्यूमेरिकल हम करेंगे, शाफ्ट जो है वो इंटरसेक्टिंग शाफ्ट होगा राइट एंगल पे ही होगा, यानी गामा प्लस कैपिटल गामा विल बी 90 डिग्री ऑल द टाइम इन द न्यूमेरिकल. ठीक है, इट कंसिस्ट ऑफ 24 टीथ. इफ वी टॉक अबाउट द भंडारी की, अगर किताब की बात करेंगे तो भंडारी में ये मानते हुए न्यूमेरिकल दे रखे हैं या थ्योरी जो डिस्कस की है वो राइट एंगल पे ही मीट कर रही है एक्सेस. नाउ कंसिस्ट ऑफ 24 टीथ, टीपी की वैल्यू दे रखी है 24, नंबर ऑफ टीथ ऑन द पिनियन 32 दे रखे, नंबर ऑफ टीथ ऑन द गियर. इट इज कनेक्टेड टू अ इलेक्ट्रिक मोटर. पावर दे रखी है 12.5 किलोवाट. आरपीएम दे रखा है 1440 1440 आरपीएम. स्टार्टिंग टॉर्क ऑफ द मोटर इज 150%, यानी सर्विस फैक्टर की वैल्यू दे रखी है 1.5. प्रेशर एंगल अल्फा इज 20 डिग्री. बोथ द गियर्स आर मेड ऑफ केस हार्डेंड स्टील. एसयूटी इज इक्वल टू 750 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर. तो सिग्मा बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 750 अपॉन 3, 250 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर. द गियर्स ऑन द टीथ ऑन द गियर्स आर जनरेटेड एंड फिनिश बाय ग्राइंडिंग एंड लैपिंग प्रोसेस टू मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ क्लास 3 ग्रेड. तो यहां से आप देख सकते हो जनरेटेड टीथ है. ठीक है, तो आई एम ओपनिंग द डिजाइन डाटा बुक. जनरेटेड टीथ है, जनरेटेड टीथ के लिए आप सीवी की वैल्यू ये वाली लगा दो. और अगर ये दे रखा है देर इज अ क्लास 3 ग्रेड एंड द गियर में जो फिनिशिंग प्रोसेस अपना रखा है वो लैपिंग और ग्राइंडिंग अपना रखा है. तो वी कैन सी फॉर द क्लास 3 ग्रेड, फॉर द क्लास सी डिपेंडिंग ऑफ वी विल सी इन द न्यूमेरिकल मॉड्यूल हमारा क्या रहा है उसके अकॉर्डिंग हम क्लास 3 ग्रेड की वैल्यू एरर वैल्यू यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे. नो कमन की कमन कम टू द न्यूमेरिकल. इन द इनिशियल स्टेज ऑफ द डिजाइन से सबसे पहले आपको मॉड्यूल निकालना है. एस्टिमेट द मॉड्यूल. सी यहाँ पर वेलोसिटी दे रखी है, वेलोसिटी 7.5 मीटर पर सेकेंड, बट आई विल नॉट यूज दिस वेलोसिटी. हो सकता है न्यूमेरिकल में एग्जाम यूनिवर्सिटी एग्जाम में ये वेलोसिटी गिवन ना हो. ठीक है, क्यों यूज नहीं करूंगा इसको मैं बताता हूँ आगे. इट विल क्रिएट द कन्फ्यूजन. यू कैन कैलकुलेट द मेन डायमेंशन. मॉड्यूल के बाद आपको डीपी और डीजी की वैल्यू निकालनी है. डिटरमाइन डायनेमिक लोड निकालना है और आपको चेक करना है कि वेदर योर डिजाइन इज सेफ और नॉट. तो लास्ट में सरफेस हार्डनेस की वैल्यू निकालनी है कंसिडरिंग द फैक्टर ऑफ सेफ्टी 2 फॉर वियर. ठीक है, तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी यहाँ 2 दे रखा है, बीम स्ट्रेंथ के लिए भी और वियर के लिए भी 2 ही है फैक्टर ऑफ सेफ्टी. नाउ कमिंग टू द न्यूमेरिकल. टीपी की वैल्यू दे रखी है, दिस वी हैव डिस्कस. नाउ कैलकुलेट द वेलोसिटी. पाई डीपी एनपी अपॉन 60. सी बोथ द मटेरियल, यानी पिनियन और गियर, बेवल गियर का पिनियन और बेवल गियर इज ऑल्सो ट्रिविन और ट्रिविन एंड ड्राइविंग गियर्स बोथ आर मेड ऑफ द सेम मटेरियल. तो वी विल कंसिडर द पिनियन इज वीकर. तो यहाँ पर जो फॉर्मूले हम लगाएंगे पिनियन के लिए लगाएंगे पाई डीपी एनपी अपॉन 60. पाई डीपी इज टू एम इंटू टीपी एनपी अपॉन 60. तो दिस वेलोसिटी इज इन टर्म्स ऑफ 1.809 इंटू एम. नाउ अगर ये वेलोसिटी मैं इसको 7.5 मीटर पर सेकेंड निकाल देता, 1.809 m इज इक्वल टू 7, तो आप लोग पूछते कि सर ये क्वेश्चन तो यही खत्म हो गया, मॉड्यूल तो यही निकल गया, फिर तो 2 नंबर का क्वेश्चन रह गया. तो ऐसा नहीं करना है. आप अगर आप ध्यान से देखोगे इन दिस क्वेश्चन इनिशियल दिस वेलोसिटी इज ओनली गिवन फॉर द सिलेक्शन ऑफ वेलोसिटी फैक्टर सीवी. सीवी की वैल्यू निकालने के लिए जैसे अगर 7.5 की वैल्यू आप यहाँ पर लगा दो, 5.6 अपॉन 5.6 प्लस अंडर रूट वी, तो यहाँ पर वी की वैल्यू लगा सकते हो आप 7.5. बट 7.5 की वजह से आप पूरा का न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं कर सकते हो. ठीक है, जो कि भंडारी में ऐसा कर रखे हैं, लेकिन जैसा कि हमने एक कॉमन अप्रोच रखी थी सारे न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए, वी विल अप्लाई द बेसिक इक्वेशन, बेसिक लुईस इक्वेशन एंड वी विल कैलकुलेट द मॉड्यूल. तो वही अप्रोच यहाँ पर भी हम रखेंगे. तो फॉर द जनरेटेड टीथ वी हैव सीन सीवी की सीवी का ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे 5.6 अपॉन 5.6 प्लस अंडर रूट वी. सी इस यहाँ से हमने वेलोसिटी निकाल ली इन टर्म्स ऑफ मॉड्यूल. ठीक है, पीटी यानी टेंजेंशियल लोड इज इक्वल टू पावर अपॉन वेलोसिटी. पावर इज गिवन, वेलोसिटी इज 1.809 इनटू एम. तो ये पीटी की वैल्यू आ गई. CV की वैल्यू 5.6 ये हमने देख लिया. नाउ एज्यूम हमें करना है B इज टू 10 m एंड B इज टू A0 अपॉन 3. यानी इस फॉर्मूले में
इन दिस एक्सप्रेशन वी विल सी, यहां पर तो हम ए नॉट अपॉन थ्री लगा देंगे और यहां पर टेन इंटू एम लगा देंगे, ठीक है, ऐसा ही करना है, ये ही फिजिबल है और ऐसा ही किताबों में दे रखा है, ठीक है। तो यहां पर नाउ अप्लाई दिस इक्वेशन, बेसिक इक्वेशन दैट इज बेस्ड अपॉन द इनिशियल डिजाइन ऑफ द, दिस इक्वेशन इज नथिंग बट दिस इज पी इफेक्टिव इनिशियल इंटू फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज इक्वल टू बीम स्ट्रेंथ। तो वही इक्वेशन को इस तरीके से लिखा है हमने, आगे हमेशा इसी तरीके से लिखा है, दैट पीटी, पीटी की वैल्यू हमने यहाँ से पीटी की वैल्यू हमने निकाली थी, दैट इज अप्लाइड हियर, सर्विस फैक्टर इज 1.5, सीवी, सीवी की वैल्यू कितनी है 5.6 अपॉन 5.6 प्लस अंडर रूट 1.809 इंटू एम इंटू फैक्टर ऑफ सेफ्टी 2 इज गिवन, एम इज वी नीड टू कैलकुलेट द एम, बी इज इक्वल टू 10m, 750 अपॉन 3 इज सिग्मा बी। जब वाई की वैल्यू हम कैसे देखेंगे, अगेन आई एम रिपीटिंग, वाई की वैल्यू कैसे देखेंगे, टेबल नंबर 17.13, सी दिस चैप्टर इज, दिस चैप्टर इज 19, ये चैप्टर आपका 19 चैप्टर है इन द डिजाइन डाटा बुक, चैप्टर नंबर 17 इज फॉर द स्पर गियर, तो स्पर गियर में जो टेबल नंबर 17.13 दे रखी है वहां से हम वाई की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। सी वाई की वैल्यू कैलकुलेट कैसे करेंगे, सी ये टर्म छूट गई, ऊपर आप देखो वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, वी नीड टू कैलकुलेट द 10 गामा, 10 गामा इसका टू टीपी अपॉन टीजी, गामा की वैल्यू 36.87 आ गई, तो व्हाट इज द नंबर ऑफ वर्चुअल नंबर ऑफ टीथ इज इक्वल टू टीपी अपॉन कॉस गामा इज इक्वल टू 30, यानी टेबल नंबर 17.13 में 30 नंबर ऑफ टीथ के रिस्पेक्ट में हम देख लेंगे लुईस फॉर्म फैक्टर विच इज इक्वल टू 0.358, ठीक है। तो सॉल्विंग दिस इक्वेशन हियर एम इज अननोन इन द राइट हैंड साइड, एम इज अननोन वी कैलकुलेट, वी जस्ट राइट द इक्वेशन, सॉल्व द इक्वेशन, वी विल गेट दिस इक्वेशन इन अ क्यूबिक इक्वेशन हमें मिल जाएगी। नाउ अगर इस इक्वेशन को अगर हम फर्दर हम स्क्वायर कर देते हैं तो ये एम की पावर 6 में चली जाएगी इक्वेशन, विच इज वेरी डिफिकल्ट टू सॉल्व द क्वेश्चन। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हिट एंड ट्रायल मेथड यूज करेंगे, ठीक है, वी विल सॉल्व इट बाय हिट एंड ट्रायल, वो आसान रहेगा, टाइम कंज्यूमिंग नहीं रहेगा। लेटर से हमने एम की वैल्यू हमने दो रखी, तो LHS और RHS में बहुत ज्यादा डिफरेंस आ रहा था, फिर हमने एम की वैल्यू 3 रखी, एम इज इक्वल टू 7.92 और 4.35 हो रहा था, फिर एम की वैल्यू हमने 4 रखी, यहाँ पर 4 रखते ही आपने देखा LHS की वैल्यू कम हो गई और इसकी वैल्यू ज्यादा हो गई, इट मीन्स द वैल्यू ऑफ द मॉड्यूल इज इन बिटवीन 3 to 4, ठीक है, यानी LHS की वैल्यू पहले ज्यादा थी, RHS की वैल्यू पहले कम थी, जैसे मैंने 4 रखा LHS की वैल्यू, LHS की वैल्यू जो है ज्यादा कम हो गई और इसकी वैल्यू ज्यादा हो गई, इट मीन्स मॉड्यूल की जो वैल्यू है वो 3 और 4 के बीच में है। तो एम की वैल्यू आप रेंडमली लिख लो 3 और 4 के बीच में 3.75, क्योंकि बाद में तो अप्रोक्सीमेशन करना ही होता है। तो फॉर द फर्स्ट प्रिफरेंस एम इज इक्वल टू 4 mm, ठीक है, तो एम की वैल्यू हो गई 4 mm, दैट इज टेकन फॉर दिस फॉर द फर्दर कैलकुलेशन। बट मैंने आपको बताया था कि बार बार इटरेशन ना करना पड़े, या बचने के लिए कई बार हम क्या कर देते हैं, मॉड्यूल की वैल्यू थोड़ी सी 3.73 को हम डायरेक्टली हम 5 mm लिखते हैं। जैसे हमने पहले भी किया था, सपोज 6.7 अगर आ रहा था मॉड्यूल तो उसको हमने 8 कर दिया था, ऐसे इसको मैंने 3.75 को थोड़ा सा बढ़ा के मैंने कर दिया 5, क्योंकि जो भंडारी की डाटा बुक में भी थोड़ा सा बढ़ा के लिया था, दैट्स वाई उसी को फॉलो करते हुए मैंने 5 mm ले लिया। नाउ वी कैन कैलकुलेट द डीपी, एम इंटू जेड पी 5 × 24 इज इक्वल टू 120 mm, डीजी हम कैलकुलेट कर सकते हैं, एम इंटू नंबर ऑफ टीथ ऑन द गियर इट इज 160, ए नॉट वी कैन कैलकुलेट, डीपी अपॉन 2² प्लस डीजी अपॉन 2² का अंडर रूट, ए नॉट की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली, नाउ ए नॉट अपॉन 3, बी की वैल्यू हम कैलकुलेट कर सकते हैं, B की वैल्यू 10 mm, तो B की वैल्यू इन बिटवीन 10 to 33 to 50, वी कैन राइट इट डाउन। नाउ टेंजेंशियल फोर्स ड्यू टू द रेटेड टॉर्क, और टेंजेंशियल लोड टॉर्क निकाल लें हम, उसके बाद डीपी अपॉन 2 से डिवाइड कर दें, ऐसे भी निकल जाएगा टेंजेंशियल लोड, और यू कैन ऑल्सो कैलकुलेट द टेंजेंशियल लोड बाई पावर अपॉन वेलोसिटी, जैसे कि हम पहले निकालते थे, वी कैन ऑल्सो कैलकुलेट बाई पावर अपॉन वेलोसिटी, तो आप कैलकुलेट करके देखना, यू विल गेट द सेम एक्सप्रेशन, ठीक है, या फिर आप यहाँ से देख लो, यहाँ आपने निकाला था 6907.77 अपॉन मॉड्यूल, यहाँ पर आप एम की वैल्यू रख के देखो, यहाँ पर टेंजेंशियल लोड हमने निकाला था
6907.77 अपॉन एम की वैल्यू 5 रख के देखना, यू विल गेट द सेम आंसर 1381। तो आप कैसे भी निकालो, इट्स अप टू यू, दो स्टेप में निकालो या एक स्टेप में निकालो। नाउ वी ऑल्सो नीड टू कैलकुलेट द वेलोसिटी, ठीक है। वेलोसिटी की वैल्यू कितनी आई, पाई डीपी एनपी अपॉन 60। सो सी वेलोसिटी की वैल्यू यहाँ पर अलग आई, जबकि न्यूमेरिकल में कितनी दे रखी थी वेलोसिटी की वैल्यू 7.5। तो इस वेलोसिटी इज ओनली फॉर द सीवी, ठीक है। तो इसको हम बेस मान के नहीं चल सकते, इसको इस वेलोसिटी को हम मॉड्यूल की कैलकुलेशन में इंक्लूड नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये गलती नहीं करनी है। वेलोसिटी इज 9.5 डीपी एनपी, डीपी हमें पता चल गया, डीपी पता चल गया, यहाँ से वेलोसिटी आ गई, ठीक है। सी की वैल्यू मटेरियल कॉम्बिनेशन फैक्टर, अगेन चैप्टर नंबर 17 में जैसे हमने इस पर गिर के लिए निकाला था, मटेरियल अगर सेम है, कास्ट आयरन और कास्ट द मटेरियल ऑफ द गियर एंड पिनियन इज सेम, तो उस मटेरियल कॉम्बिनेशन से जैसे फॉस्फोरस ब्रांच का बना है या कास्ट आयरन का बना है, कास्ट स्टील का बना है, तो उन दोनों कॉम्बिनेशन को लेते हुए टेबल से हम देख लेंगे मटेरियल कॉम्बिनेशन फैक्टर की वैल्यू कैपिटल सी इज इक्वल टू 11,400, ठीक है। बी की वैल्यू 33 एम एम ऊपर निकाली हमने, ए नॉट अपॉन 3। अब पी टी इज इक्वल टू 1381। 21 बी सी, ये फॉर्मूला हमने लगा दिया, इस फॉर्मूले को याद करने की जरूरत नहीं है, ऑल द एक्सप्रेशंस आर गिवन इन द डिजाइन डाटा बुक। 21 बी सी ई वी पी टी, 21 बी वेलोसिटी हमने निकाल ली, सी की वैल्यू निकाल ली। नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ई, ई की वैल्यू कैसे निकालेंगे। नाउ सी द डिजाइन डाटा बुक, डिजाइन डाटा बुक में वी नो द मॉड्यूल, हमें मॉड्यूल मालूम पड़ गया और क्लास 3 वाज गिवन, तो वी विल सी क्लास 3, दिस वैल्यू ऑफ ई इज 0.0125। तो वी विल अप्लाई द वैल्यू 0.0125 mm इनटू फेस विद दिस 33 प्लस पीटी की वैल्यू रख दी, वेलोसिटी की वैल्यू रख दी, सी ई वी प्लस पीटी, तो यहां से आ गया 4,330 पीटी, डायनेमिक लोड की वैल्यू आ गई, ठीक है। डायनेमिक लोड की वैल्यू आ गई, यू कैन आल्सो कैलकुलेट पी इफेक्टिव डायनेमिक, पीडी डायनेमिक लोड आ गया। नाउ ओवरऑल पी इफेक्टिव इज सी एस पी टी प्लस पीडी, सी एस 1.5 पी टी प्लस पीडी, ठीक है। तो 6385 6385, ये वैल्यू आ गई पी इफेक्टिव की। तो अगर हमें सेफ डिजाइन चाहिए, बेवल गियर का सेफ डिजाइन चाहिए, तो वियर स्ट्रेंथ और बीम स्ट्रेंथ की वैल्यू इससे कम आनी चाहिए, सॉरी इससे ज्यादा आनी चाहिए, देन अवर गियर विल बी सेफ। नाउ कैलकुलेट द बीम स्ट्रेंथ, SB is equal to MB sigma B, everything is known, मॉड्यूल हमें पता चल गया, बीम स्ट्रेंथ फेस विड्थ की वैल्यू हमें मालूम है 750/3, Y की लुईस फैक्टर की वैल्यू हमने निकाल ली थी 1-A0/3, तो दिस इज 9894। तो वी कैन सी दिस 9894 इज ग्रेटर देन 6385, इट इज ग्रेटर देन 6385, इट मीन्स अवर डिजाइन इज सेफ, ठीक है। तो आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, या फिर जैसा बुक में दे रखा है, वी कैलकुलेट द फैक्टर ऑफ सेफ्टी एस बी अपॉन, इसका रेशियो निकाल लिया, तो दिस इज 1.5, यानी कितना ज्यादा है, 1.55 टाइम्स ज्यादा है। हम बीम स्ट्रेंथ इज ग्रेटर देन 1.55 टाइम्स ऑफ पी इफेक्टिव डायनेमिक, ठीक है। इट मीन्स अवर डिजाइन इज सेफ, अवर डिजाइन इज सेफ एज कंसिडर फॉर बीम स्ट्रेंथ, ठीक है। नाउ इन द नेक्स्ट step we need to calculate the BHN. BHN हमें निकालना था, तो BHN के लिए हमने SW is equal to P effective into factor safety. भाई ये अगर हमने see this is the same equation. अगर यहाँ पर SB करो या SW करो बात एक ही है, ठीक है। SB अगर हम कर देते हैं तो ये equation जो हमने basic equation लगा दी, that was nothing but this equation was nothing but this is P effective into factor of safety is equal to SB, ठीक है। ऐसे ही अगर bear strength के respect में जब हम निकालते हैं, ये पहले हम discuss कर चुके हैं सब, तो bear strength के respect में निकालते हैं, तो SW is equal to P effective into factor of safety, तो SW की value यहाँ से निकल आई। We also know that SW is equal to 0.75 BQ DP into K upon cos gamma, तो सीधा सीधा आपने लगा दिया, B की value मालूम है, Q की वैल्यू हमने यहाँ से निकाल ली 1.28, सीधा सीधा फॉर्मूला है, डिजाइन डाटा बुक में भी दे रखा है, वी नो द एवरीथिंग। गामा की वैल्यू हमें मालूम है, रेशियो फैक्टर निकाल लिया, डीपी की वैल्यू हम निकाल चुके थे,
0.16 BHN, तो BHN की वैल्यू निकालनी है, तो वही फॉर्मूला हमने लगा दिया, ये वाला फॉर्मूला हमने लगा दिया यहाँ पर K के लिए। वी अप्लाई दिस एक्सप्रेशन, K इज इक्वल टू 0.16 BHN अपॉन 100 स्क्वायर, ठीक है। तो ये फॉर्मूला हमने लगा दिया, दिस फॉर्मूला इज फॉर द K, ठीक है, अपॉन कॉस गामा। तो यहाँ से BHN की वैल्यू निकल आई 410। सपोज अगर इसमें BHN की वैल्यू गिवन होती और अगर हमें चेक करना होता कि वेदर द डिज़ाइन इज सेफ विद रिस्पेक्ट टू वियर फेलियर, तो हम क्या करते हैं, सीधा हम SW की वैल्यू निकाल लेते हैं। सपोज अगर SW की वैल्यू आती अप्रोक्सीमेटली 7000, अगर 7000 आती तो वी कैन सी अवर डायनेमिक लोड इज 6385, डायनेमिक लोड इज 6385 और अब वैल्यू हमारी 7000 आ जाती तो डिज़ाइन हमारा सेफ हो जाता, ठीक है। बट वी नीड टू वेरी केयरफुली सी व्हाट डाटा इज गिवन एंड व्हाट इज आस्क्ड इन द क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन बहुत ध्यान से देखना है हमें, क्या पूछा गया है और क्या निकालना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एग्जाम्पल नंबर 19.6, अ पेयर ऑफ स्ट्रेट बेवल गियर इज माउंटेड ऑन द शेफ्ट विच आर इंटरसेक्टिंग एट राइट एंगल। अगेन ये भी राइट एंगल का ही क्वेश्चन है, यानी गामा प्लस कैपिटल गामा इज इक्वल टू 90 डिग्री। द नंबर ऑफ टीथ ऑन द पिनियन इन द गियर आर 21 एंड 28, ठीक है। टीपी टीजी की वैल्यू दे रखी है, प्रेशर एंगल इज अल्फा 20 डिग्री, इलेक्ट्रिक मोटर डेवलपिंग द पावर 5 किलोवाट, 1440 आरपीएम दे रखा है, सर्विस फैक्टर 1.5। सी ये क्वेश्चन बहुत आसान है, एवरीथिंग इज गिवन, सीधा हमें फॉर्मूला निकालना है और बताना है कि फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितनी है, यानी कि हमारा डिज़ाइन सेफ है कितने टाइम सेफ है, ठीक है। फैक्टर ऑफ सेफ्टी निकालनी है, SUT की दे रखी है 750 न्यूटन पर MM², ठीक है। द पिनियन एंड गियर आर मेड ऑफ स्टील। सी ये थोड़ा सा बहुत केयरफुली आपको ध्यान रखना पड़ेगा एग्जाम में, भंडारी की किताब में मोस्ट ऑफ द 80% ऑफ द क्वेश्चन दे रखे हैं जिसमें पिनियन और गियर का मटेरियल सेम है, बट एग्जाम में जो न्यूमेरिकल आ जाता है उसमें लिख के आ जाता है कि स्टैटिक स्ट्रेस फॉर द पिनियन एंड स्टैटिक स्ट्रेस फॉर द गियर आर डिफरेंट, उसकी वैल्यू दे देते हैं वो, ठीक है। स्टैटिक स्ट्रेस अगर दे रखे तो आपको 3 से डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, अगर अलाउबल स्टैटिक स्ट्रेस अगर न्यूमेरिकल में दे रखे 120 तो आप एज इट इज लगाओगे 120, ठीक है। स्टैटिक स्ट्रेस या अलाउबल स्ट्रेस दे रखे तो एज इट इज लगाना है, उसमें डिवाइड नहीं करना है। लेकिन अगर SUT गिवन है तो 750 डिवाइडेड बाई 3 करना है, जिससे हमारा सिग्मा भी निकल के आ जाता है, ठीक है। क्योंकि ये बहुत ध्यान से देखना है कि मटेरियल सेम है या अलग है, तो उसी हिसाब से डिजाइन करना है। हीट ट्रीटेड टू अ सरफेस हार्डनेस दे रखी है 380। द गियर्स आर मशीन बाई अ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस विच लिमिट्स द एरर बिटवीन द मशीन टीथ। डायरेक्ट एरर दे रखी है 10 माइक्रोन मीटर। द मॉड्यूल एंड फेस विथ आर 4 एंड 20 mm, तो एम की वैल्यू भी दे रखी है, फेस विथ भी दे रखी है, तो बहुत ही आसान हो गया क्वेश्चन ये। डिटरमाइन द फैक्टर ऑफ सेफ्टी अगेंस्ट बेंडिंग एज वेल एज स्पिटिंग फेलियर, तीन फार्मूले लगने हैं उसमें और तीनों की वैल्यू निकाल के फैक्टर ऑफ सेफ्टी निकाल देना है। तो वी कैन सी डीपी की वैल्यू निकाल सकते हैं, मॉड्यूल हमें मालूम है, टीपी की वैल्यू मालूम है, डीजी की वैल्यू निकाल लेंगे हम, मॉड्यूल और टीजी की वैल्यू मालूम है, ए नॉट की वैल्यू हम निकाल सकते हैं, ठीक है। जैसे पहले निकाला था सिग्मा वी इज इक्वल टू 750/3, 10 गामा इज इक्वल टू अगेन 36.87 आ रहा है, टीपी डैश वर्चुअल नंबर ऑफ टीथ इज 26.65। नाउ दिस 26.65 जो वर्चुअल नंबर ऑफ टीथ है, आपको देखनी कौन सी टेबल है, टेबल नंबर 17.13। तो आपको टेबल नंबर 17.13 में 27 के रिस्पेक्ट में पता है, 26 के रिस्पेक्ट में पता है नंबर ऑफ टीथ, वर्चुअल लुईस फॉर्म फैक्टर आपको 27 के रिस्पेक्ट में पता है और 26 के रिस्पेक्ट में पता है, बट आपको निकालना किसके रिस्पेक्ट में, 26.65। तो यू नीड टू डू इंटरपोलेशन, यहाँ से इंटरपोलेशन करना पड़ेगा आपको, यू विल गेट द वैल्यू 0.345। तो एवरीथिंग इज नोन, यू कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ SB की वैल्यू निकाल दो, M की वैल्यू मालूम है, B की वैल्यू सिग्मा बी वाई निकल आया, एवरीथिंग इज नोन, यू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ बीम स्ट्रेंथ 4928.57, ठीक है। नाउ सेकेंड स्टेप इज कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ बियर स्ट्रेंथ। तो बियर स्ट्रेंथ में हमें बी की वैल्यू मालूम है, रेशियो फैक्टर निकाल लेंगे, यहाँ से रेशियो फैक्टर का फॉर्मूला डायरेक्ट फॉर्मूला दे रखा है, वी कैन कैलकुलेट द रेशियो फैक्टर। डीपी की वैल्यू पिच डीपी की वैल्यू हमने सबसे पहले स्टेप में निकाली थी, डीपी की वैल्यू व्हाट इज के, के की वैल्यू दे रखी है, ये डिजाइन डाटा बुक में फॉर्मूला है 0.16 BHN अपॉन 100 पर स्क्वायर। तो BHN की वैल्यू न्यूमेरिकल में क्यों है 380, तो यहाँ से K की वैल्यू आ गई, ऑल द वैल्यू इज नोन, गामा इज नोन 36.1
36.87 we can calculate the value of SW. तो इसकी वैल्यू आ रही है एस बी की वैल्यू आ रही है 4928, एस डब्ल्यू की वैल्यू आ रही है 4657. नाउ कैलकुलेट द डायनेमिक लोड. तो डायनेमिक लोड इन दोनों से कम आना चाहिए, एस बी और एस डब्ल्यू से कम आना चाहिए, तो हमारा डिजाइन सेफ है एंड वी आर एबल टू कैलकुलेट द फैक्टर ऑफ सेफ्टी. कितना सेफ है ये फैक्टर ऑफ सेफ्टी हम निकाल सकते हैं. ठीक है, नाउ डायनेमिक लोड कैलकुलेट करने के लिए हमें कौन सा फॉर्मूला लगाना है, ये वाला फॉर्मूला लगाना है, पीडी इज इक्वल टू 21B. तो वी की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, वी इज इक्वल टू पाई डी एन अपॉन 60. ठीक है, डी पी एन पी अपॉन 60, सी मेटेरियल कॉम्बिनेशन फैक्टर, इस अगेन इज मेड ऑफ सेम मटीरियल, तो जो मटीरियल क्वेश्चन में गिवेन है इट इज मेड ऑफ स्टील. ठीक है, तो स्टील के रिस्पेक्ट में यू कैन सी द कैपिटल सी वैल्यू फ्रॉम द चैप्टर नंबर 17, मटेरियल कॉम्बिनेशन की एक टेबल दे रखी है, वहां से आप कैलकुलेट कर सकते हो. पहले भी आपने देखा है ई की वैल्यू डायरेक्टली दे रखी है माइक्रोन मीटर. ठीक है, तो यहाँ आपको ध्यान रखना है माइक्रोन मीटर में दे रखी है, तो ई की वैल्यू आपको एमएम में कन्वर्ट करके लगानी है. बी की वैल्यू गिवन है, पीटी की वैल्यू आप निकाल लोगे, पीटी की वैल्यू कैसे निकालोगे, पावर अपॉन वेलोसिटी, पावर इज गिवन 5 kW, 5 × 10³ अपॉन 6.33 21B. सो यू कैन कैलकुलेट द पीडी. ठीक है, इसको आप कैलकुलेट करके देख लेना, ऑल्सो इट इज गिवन इन द बुक. तो आप देख सकते हो पीडी की वैल्यू कितनी आई, 2166. ठीक है, 2166. तो यू कैन सी इट इज लेस देन एस डब्ल्यू एज वेल एज इट इज लेस देन एस बी. तो यू कैन कैलकुलेट द फैक्टर ऑफ सेफ्टी. यू कैन सॉरी आई एम सॉरी दिस इज पीडी वैल्यू. वी नीड टू कैलकुलेट द पी इफेक्टिव डायनेमिक. पी इफेक्टिव डायनेमिक इज सी एस पी टी प्लस पी टी. ठीक है, तो सी एस सर्विस फैक्टर 1.5, पी टी की वैल्यू है 789 और प्लस इसको 2166 कर लेंगे तो हमारी वैल्यू कितनी आ रही है, 3351. तो 3351 इज लेस देन 4657 एंड ऑल्सो इट इज लेस देन 4628. ठीक है, इन दोनों से लेस है तो फैक्टर सेफ्टी क्या हो जाएगा, इट इज द रेशियो ऑफ एस बी इन केस ऑफ एस बी अपॉन पी इफेक्टिव डायनेमिक. पी इफेक्टिव डायनेमिक 1.47 आ गया और दिस इज एस डब्ल्यू अपॉन पी इफेक्टिव डायनेमिक 1.39. ठीक है, तो इसका मतलब ये है अवर गियर इज डिजाइन बिकॉज फैक्टर ऑफ सेफ्टी जो है वो एक से ज्यादा आ रहा है. अगर एक से कम आता, फैक्टर ऑफ सेफ्टी एक से कम आता, इट मीन्स हमारा जो डिजाइन है वो सेफ नहीं है. उस केस में हमें मॉड्यूल की वैल्यू बढ़ानी पड़ती. या दूसरा तरीका एक मैंने बताया था, जो एरर थी उसको हमें मतलब सुपर वी ऑल्सो कैन ट्राई द सुपर फिनिशिंग प्रोसेस. तो एरर की वैल्यू कम हो जाएगी, पी डी यानी डायनेमिक लोड की वैल्यू उससे कम हो जाएगी. तो एक तरीका वो भी था. तो यहाँ पर जो है ग्रेटर देन वन आ रही है, इट मीन्स अवर डिज़ाइन इज सेफ. ठीक है, तो आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा. वेवल गियर के क्वेश्चन इसी तरीके से हैं, आसान है क्वेश्चन. बस एस बी और एस डब्ल्यू का फॉर्मूला जो है थोड़ा सा चेंज है. दो तीन इंपॉर्टेंट टर्म आपको याद रखनी है, पिच एंगल, कोन डिस्टेंस, रेशियो फैक्टर का फॉर्मूला यहाँ पर अलग होता है और वर्चुअल नंबर ऑफ टीथ. ये तीन चार फॉर्मूले आपको याद रखने हैं, विच इज डिफरेंट फ्रॉम द स्पर गियर. बाकी का सारा प्रोसीजर लगभग वैसे ही रहता है. दिस इज द सेम टॉपिक जैसा वेवल गियर देखने में लगता है कि बहुत ज़्यादा टफ है. स्ट्रक्चर ऑफ द और स्ट्रक्चर और यू कैन सी वेवल गियर लुक्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड गियर. तो ऐसा नहीं है, डिज़ाइन इज वेरी सिंपल, यू कैन ईजिली डू बाई दिस सिंपल बाई वॉचिंग दिस रेगुलर वीडियोज. ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट.